Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are doing very good. Okay students, now we will start our today's lesson. Okay now students, open page 9. Now our last question is write short notes on the following. यानी कि आप लोगों ने मुख्तसर से नोट्स लिखने हैं इनके ऊपर. कौन से टॉपिक है आपके पास? डिजिटल कंप्यूटर एंड पोर्टेबल कंप्यूटर. ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसकी आंसर की तरफ चलते हैं. पेज 1, डिजिटल कंप्यूटर्स. तो आप लोगों ने सबसे पहले टॉपिक जो है उसका नेम लिखना है. फिर आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है. डिजिटल कंप्यूटर्स आर वेरी फास्ट डिपेंडिंग ऑन द वेरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज नाउ अडेज. दीज कंप्यूटर्स यूज द बाइनरी लैंग्वेज 1-0 टू प्रोसेस द डेटा. आपका ये आंसर यहाँ तक है, ठीक है. पार्ट सी का ही आपका आंसर है. उसके बाद है आपका पोर्टेबल कंप्यूटर. पेज 6, फिर आप लोगों ने नेक्स्ट हेडिंग देनी है पोर्टेबल कंप्यूटर्स. अब पोर्टेबल कंप्यूटर्स क्या होते हैं? पोर्टेबल कंप्यूटर्स आर दोज माइक्रो कंप्यूटर्स दैट कैन बी कैरीड अराउंड. यानी कि ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनको आप आसानी से सफ़र में अपने साथ लेकर जा सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से उसको मुंतकिल कर सकते हैं, ठीक है. दीज कंप्यूटर्स डिपेंडिंग ऑन देयर साइज वेट ETC कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इन टू द फॉलोइंग कैटेगरीज. तो ये कंप्यूटर्स जो हैं वो साइज़ और वेट के लिहाज से और भी जो कैटेगरीज हैं उनमें डिवाइड किए जाती हैं, जैसे कि लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, हैंड हेल्ड. तो इसका आंसर यहाँ तक होगा. तो आपका आज का होमवर्क ये है, आप लोगों ने इसको अच्छे से रीड आउट करना है, इसको याद भी करना है और इसको अपनी नीट कॉपीज पे लिख भी लेना है. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.